हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं इंस्टेंट गोली इडली। इसे सूजी से बनाएंगे तो ये बहुत ही हेल्दी भी है और टेस्ट में तो एकदम लाजवाब है। ये टिफिन के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप बच्चों को इसे टिफिन में पैक करके दे सकते हैं या फिर आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं। ये 10 से 15 मिनट में बन जाती है। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप चाहे तो इसको नारियल की चटनी के साथ या फिर सिंपल केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इस टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट एंड फूड। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले एक कढ़ाई में डाल देंगे 1.5 कप पानी, फिर इसमें डाल देंगे 2 चम्मच घी। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल भी ले सकते हैं। आधा चम्मच कुटी हुई काले मिर्च, आधा छोटी चम्मच जीरा। अब इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी, मोटी या बारीक जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना हो। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। नॉर्मली तो ये गोली इडली चावल के आटे से बनाई जाती है, लेकिन हम इसे इंस्टेंट बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने सूजी का यूज किया है। इसे हम लगातार चलाते हुए पकने देंगे जब तक ये कढ़ाई को छोड़ने नहीं लगती। थोड़ी देर के बाद ये देखिए, ये डो वाली कंसिस्टेंसी पर आ जाएगी। इसमें अच्छे से बाइंडिंग आ गई है, सारा मिक्सचर एक साथ आ गया है और ये कढ़ाई को छोड़ने लगा है। बस अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे हल्का ठंडा होने देंगे। ये जो मिक्सचर है ये हल्का ठंडा हो गया है, अब हम इसे हाथ से कूट लेंगे। इससे पहले हाथों को थोड़ा सा चिकना कर लेते हैं ताकि हाथों पर चिपके ना। तब जिस तरीके से हम रोटी का आटा लगाते हैं बस वैसे ही हम इसे कूट लेंगे ताकि ये बाहर से चिकना हो जाए। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेते जाएंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। इससे पहले हाथों को फिर से एक बार थोड़ा चिकना कर लेते हैं। सारे मिक्सचर को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और पहले इसको ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि जो सारी बॉल्स बने वो एक ही साइज की हों। तब एक एक पोर्शन लेते जाएंगे और उसे इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। तो जो बॉल्स हैं उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, इसे हम एकदम चिकना रखेंगे। तो ऐसे हथेली से दबाते हुए हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी बनने में बहुत आसान है। जो ये गोली इडली बनती है बहुत ही टेस्टी होती है। आप इसे लंच बॉक्स में ले जा सकते हैं, आप बच्चों को टिफिन में पैक करके दे सकते हैं। ये हेल्दी भी है और काफी टेस्टी भी है। तो इस तरीके से हम ये सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने सारी गोलियां बना ली हैं। कितनी सुंदर दिख रहे हैं ये, सभी एक साइज की हैं। अब हम इनको स्टीम कर लेंगे। तो एक तरफ मैंने ये स्टीमर तैयार कर लिया है। प्लेट को हम ग्रीस कर लेंगे और एक एक करके इसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो 2 प्लेट्स पे ये सारी गोलियां आ जाएंगी और फिर हम इनको स्टीम कर लेंगे। इस रेसिपी में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है फ्रेंड्स, ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। अब हम इसे ढक देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, बहुत हाई हम फ्लेम को नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए, जो गोलियां हैं अच्छे से स्टीम हो गई हैं, फूल गई हैं, अपने साइज के 1.5 गुना हो गई हैं। अब हम इसे केयरफुली निकाल लेंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया ये 1 बड़ा चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें डाल देंगे ये 1 पिंच हींग और 1 बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई जिंजर। इसी के साथ मैंने एक छोटी हरी मिर्ची को भी बारीक चॉप कर लिया था, वो भी इसमें ऐड कर दिया है। अब हम सभी चीजों को सौते कर लेंगे। इसे आधे से 1 मिनट तक पकने देंगे। अब इसमें डाल देंगे ये 1 छोटी चम्मच भीगी हुई चना दाल, इसे भी आधे मिनट तक पकने देंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर लो टू मीडियम रखेंगे। अब इसमें डाल दिया मैंने 1/2 छोटी चम्मच जीरा, 1/2 छोटी चम्मच राई और 1/2 छोटी चम्मच तिल। अब इसे चलाते हुए 1 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 10 से 12 करी पत्ता। करी पत्ता को मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो इसमें ऐड किया है। अब इसमें डाल देंगे ये 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इसे एक बार मिक्स करेंगे और फिर सारी गोली इडली इसके अंदर डाल देंगे। इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि जो स्पाइसेस हैं वो इडली पर कोट हो जाएं। इसे हमें बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, बस हम इनको 1 मिनट तक इस तरीके से मिक्स करेंगे। फिर इस पर डाल देंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया और ये हमारी बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली हेल्दी और टेस्टी गोली इडली बनके तैयार है। आप इसे प्याज की चटनी के साथ, नारियल की चटनी के साथ, जिसके साथ भी चाहे सर्व कर सकते हैं। देखने में कितनी सुंदर दिख रही है ये, देखने में जितनी सुंदर, खाने में उससे भी ज्यादा डिलीशियस है। तो फ्रेंड्स, आप इसे लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं, बच्चों को टिफिन में पैक करके दे सकते हैं या फिर नाश्ते के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो आप भी एक बार इस रेसिपी को जरूर से ट्राई करें और आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो करें हमसे जुड़े रहने के लिए। आपसे फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।